हाजरीन और नाजरीन, हमने पूरी कोशिश की है कि कुलियात इकबाल जैसी जैसी किताब में मौजूद है हूबहू बिल्कुल वैसे ही आपके सामने पेश की जाए, मगर फिर भी कोई भूल या गुस्ताखी हो गई हो तो हम दरबार इकबाल में माफी के तलबगार हैं। जैसे कि सभी को पता है, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी बहुत ही गहरी है। बावजूद इसके कि इस ऑडियो बुक में तफसीर बनाई गई है, फिर भी कुछ बातें इंसान समझने से कासिर है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने पीर व मुर्शिद से बात करके नज्म का सही मानी पता करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सदके सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता करे और कलमाए तय्यबा को दिल के हर गोशे में उतार दे। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। अब्रे कोहसार। इकबाल की यह नज़्म भी मनाजिर फितरत की आयनादार है। यहां उन्होंने जो खूबसूरत मंजर निगारी की है वो इंतहाई तौर पर काबिल दाद है। पूरी नज्म बुलंदोबाला पहाड़ों पर छाए हुए बादलों के मुकालमों की आयनादार है। बादल बरसते हैं तो खेत सर सब्जो शादाब हो जाते हैं। काश्तकारी के अमल में किसान उनसे इस्तिफादा करता है। बागों में फलों और फूलों की काश्त भी उनके बगैर मुमकिन नहीं। ए बुलंदी से फलक बोस नशे मन मेरा, अब्रे कोहसार हूं गुलपाश है दामन मेरा। कभी सहरा कभी गुलजार है मस्कन मेरा, शहर वीराना मेरा बहर मेरा बन मेरा। किसी वादी में जो मंजूर हो सोना मुझको, सब्ज़े को है मखमल का बिछौना मुझको। पहला बंद मानी फलक बोस, आसमान को चूमना यानी बुलंद, गुले पाश फूल बरसाने वाला मतलब। नज़्म के तमाम अशार में वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अब्रे कोहसार मुकालमा करता है कि मेरी मुस्तकिल बूदोबाश तो आसमानों को छूने वाले बुलंदो बाला पहाड़ों पर रहती है, लेकिन जमीन पर फूल बिखेरता रहता हूँ, यानी जब तक न बरसूं फूलों की नमूद मुमकिन नहीं। कभी सहरा में बरसता हूँ और कभी बागों पर बारिश बरसाता हूँ। इस एतबार से शहरों के अलावा वीरान मकामात और कभी जंगल पर भी मेरा तसल्लुत रहता है। मुराद ये है कि जब बादल बरसते हैं तो जमीन पर मौजूद तमाम मकामात को सैराब करते हैं। अब्रे कोहसार कहता है कि कभी पहाड़ों की वादियों में बरसता हूं तो वहां उगा हुआ सब्जा जो मखमल की मानिंद होता है वही मेरी आमाजगाह बन जाता है। मुझको कुदरत ने सिखाया है दुरफशां होना, नाक़े शाहिद रहमत का हुदी खां होना, गमजदाए दिल अफसुरदा दहकां होना, रौनक बज़्म जवानान गुलिस्तां होना। बन के गेसू रुखे हस्ती पे बिखर जाता हूँ, शानाए मौजाए सरसर से समर जाता हूँ। दूसरा बंद बानी दरफशां, मोती बिखेरने वाला, नाका ऊंटनी मतलब। इस बंद में भी अब्रे कोहसार पहले बंद के तसलसुल के साथ यूं मुकालमा करता है कि कुदरत ने मुझे बारिश की बूंदों की शक्ल में जमीन पर मोती बरसाना सिखाया है कि ये बूंदें मोतियों से मुशाबहत रखती हैं। मैं जब बरसता हूं तो इन लम्हात में बूंदों के गिरने से जो खूबसूरत और दिलकश आवाजें पैदा होती हैं उनको रहमत बारी के लिए नगमा सिराई से ताबीर किया जा सकता है। और जब खुश्को बंजर खेतों पर बरसता हूं तो उनकी आबियारी से किसानों के पजमुर्दा दिल मसरतों और खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। और जब बागों पर बरसता हूं तो वहां फलों और फूलों पर ताजगी और शबाब झलक उठता है। मेरा वजूद तो हयातों कायनात के लिए इस एक दिल खुशकुन हैसियत का मालिक होता है। और जब हवाएं चलती हैं तो मैं यकजा होकर जमीन पर बरसने और इसे निखारने में मदद देती हूँ। मुराद ये है के बादल जब बरसते हैं तो ना सिर्फ ये कि फसलों की काश्त में इजाफा होता है
बागात में फल फूल को जिंदगी और नमू बख्शते हैं बल्कि जमीन के हुस्नो ज़ैबाइश का सबब भी बनते हैं। दूर से दीदा उम्मीद को तरसाता हूँ, किसी बस्ती से जो खामोश गुजर जाता हूँ, सैर करता हुआ जिस दम लबे जू आता हूँ, बालियां नहर को गिरदाब की पहनाता हूँ, सब्ज़े मजरा नौखेज की उम्मीद हूँ मैं, ज़्यादा बहर हूँ परवरदा खुर्शीद हूँ मैं। तीसरा बंद मानी मजरा नौखेज नई उगी हुई खेती, ज़्यादाए बहर जो समंदर से पैदा हुआ हो। मतलब इसमें अब्रे कोसार यूं मुकालिमा करता है कि पहले बयान के बावस्फ अगर मैं किसी बस्ती पर से बरसे बगैर गुजर जाता हूं तो जो किसान और बागबान मेरे बरसने के मुंतजिर होते हैं वो नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं और इस आलम में रहमत बारी के तलबगार नजर आते हैं। उनकी उम्मीदें तिश्ना रह जाती हैं और मेरे बरसने की दुआएं मांगते हैं। फिर जब किसी नदी पर जोरों शोर के साथ बरसता हूं तो उसके पानी में भंवर से पड़ने लगते हैं। हकीकत तो यह है कि मेरे दम से ताजगी हुई फसलें और बागों के सब्ज़ज़ार कायम हैं। मैं उनके लिए उम्मीद आस की हैसियत रखता हूं। मैं समंदर से पैदा हुआ हूं और सूरज ने मेरी परवरिश की है। फितरी और साइंसी उसूलों के मुताबिक सूरज की गर्मी से समंदर का पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस शेर में इकबाल ने इस नुक्ते की जानिब इशारा किया है। चश्मा कोह को दी शोरिश कुलजुम मैंने, और परिंदों को किया महव तरन्नुम मैंने, सर पे सब्जे के खड़े होके कहा कुम मैंने, गुंचाए गुल को दिया जौके तबस्सुम मैंने, फैज से मेरे नमूने हैं शबिस्तानों के, झोंपड़े दामने कोहसार में दहकानों के। चौथा बंद मानी चश्माए कोह पानी का सोता, कुम उठ खड़ा हुआ, शबस्तानों अमीरों के सोने की जगह। मतलब इस आखिरी बंद में अब्रे कोहसार यूं गोया है कि पहाड़ों से बरामद होने वाले चश्मों को मैंने ही समंदर जैसा जोशो खरोश अता किया। मेरे सबब ही गर्मी के मारे परिंदे सुख का सांस लेकर नगमा सिरा होते हैं। मेरी वजह से ही पामाल और मुरझाया हुआ सब्जा फिर से लहलहाने लगता है, और ये मैं ही हूं जब बागों पर बरसता हूं तो गुंचे चटक कर खुशनुमा और खुशबूदार फूलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी मेरे बगैर ये सब कुछ मुमकिनात से नहीं है। मेरे ही फैज़ो बरकत से पहाड़ों के दामन में किसानों के झोंपड़ों में भी रौनक आ जाती है, इसलिए कि मेरे सबब उनकी खेतियां लहलहाती हैं और उन्हें खुशहाली अता करती हैं। मैं उनके लिए मुसर्रतों का बाइस बनता हूं। ऐ बुलंदी से फलक बोस नशे मन मेरा, अब्र कोहसार हूं गुलपाश है दामन मेरा, कभी सहरा कभी गुलजार है मस्कन मेरा, शहर वीराना मेरा बहर मेरा बन मेरा, किसी वादी में जो मंजूर हो सोना मुझको, सब्ज़े को है मखमल का बिछौना मुझको, मुझको कुदरत ने सिखाया है दुरफ़शां होना, नाक़े शाहिद रहमत का हुदी खां होना, गमज़दाए दिले अफसुरदा दहकां होना, रौनक़े बज़्म जवानान गुलिस्तां होना, बन के गेसू रुखे हस्ती पे बिखर जाता हूँ, शानाए मौजाए सरसर से समर जाता हूँ, दूर से दीदाए उम्मीद को तरसाता हूँ, किसी बस्ती से जो खामोश गुजर जाता हूँ, सैर करता हुआ जिस दम लबे जू आता हूँ, बालियां नहर को गिरदाब की पहनाता हूँ, सब्ज़े मजरा नौखेज की उम्मीद हूँ मैं, ज़्यादा बहर हूँ परवरदा खुर्शीद हूँ मैं, चश्मा कोह को दी शोरिश कुलजुम मैंने, और परिंदों को किया महव तरन्नुम मैंने, सर पे सब्जे के खड़े हो के कहा कुम
मैंने गुंचाए गुल को दिया ज़ौक़े तबस्सुम मैंने, फैज़ से मेरे नमूने हैं शबिस्तानों के, झोंपड़े दामने कोहसार में दहकानों के।